फूड डिपार्टमेंट से क्या रेशन आता ना राइस, ये राइस पूरा ये रेशन दुकान वाले और फूड ऑफिसर मिल के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास वीडियोस हैं, कभी रात में 2 बजे 2:30 बजे ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब फूड। वो मंथली कोटा आता ना फूड क्या बोले तो राइस बांटने के लिए गवर्नमेंट का आता ना, वो 10 रुपये में देते ना, वो राइस क्या कर रहे हैं लोग रेशन दुकान वाले, आधा देना कौन किनका किनका रेशन कार्ड है ना उनको देना, आधा सताना नहीं देना, वो बचे सो माल पूरा फूड ऑफिसर मिल के रात में एक्सपोर्ट कर रहे, लारी लारी भर के वो राइस एक्सपोर्ट कर रहे। बोले तो ये आधा माल किन किन को मिलता ना कार्ड होल्डर को 10 रुपये में, उनके पास 18 रुपये में छोटे छोटे दुकान वाले लेते, वो लेके 25 रुपये ये अड़त बाज़ार में बेचते, वो 25 का 28 में जाके अदर स्टेट में पॉलिश होके आता। ये एक बड़ा रैकेट है। दूसरा रैकेट क्या बोले तो रेशन दुकान वाले 30% 40% कोटा बचा के उनके पास रख लेते। फूड ऑफिसर मंथली फिक्स किए हुए हैं सबको, एक एक दुकान को 15,000 20,000 ऐसे हजारों दुकान है गुलबर्गा में, रेशन डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ मैं, उनके पास हफ्ता लेना, उनको सपोर्ट बैकिंग देना। बोले तो रात में कब भरना कैसा भरना बोल के ऐसा इनडायरेक्टली सम पुलिस ऑफिसर्स को फूड वाले मिल के कर रहे बोल के मुझे न्यूज़ है। हारून खतीब ये सभी स्ट्रिंग ऑपरेशन करके पकड़े सो है, कब ये रात में भर रहे लोडिंग कर रहे अनलोडिंग कर रहे रेशन और कहाँ कहाँ माल जा रहा बोल के। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ एडी फूड डिपार्टमेंट गुणकी सर को कि आप एक बड़ा ऑफिसर है, अच्छा ऑफिसर है, मैं आपको 2-3 बार मिला हूँ, आप इमिडिएटली आपके नीचे लेवल का ऑफिसर कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है इसमें सभी इलीगल एक्टिविटी पे उनका एक्शन लेना, एक इंक्वायरी कमेटी बिठाना और प्रॉपरली सब 100% कौन कौन कार्ड होल्डर है ना उनको रेशन पहुँचाना और उन्हों रेशन लेना बोल के। क्यों बोले तो ये गवर्नमेंट वाले गरीब लोगों का पेट भरने के लिए रेशन दे रहे, किसी को लुटाने के लिए नहीं और ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए, आप लोगों को संपत्ति कमाने के लिए नहीं, ये आप गरीब लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं ना, ये बहुत अन्याय है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, डीसी मैडम को भी हम लेटर दिए 20 तारीख, पुलिस कमिश्नर को भी दिए और फूड एडी को भी दिए, क्या बोले तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना, कानून और टाइट करना। आप सबको पुलिस डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट को बिना पता ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बोले तो यू हैव योर ओन नेटवर्क, कहाँ कहाँ माल जाता कैसे जाता, यू हैव द चेक पोस्ट, कभी भी एक सिटी से बाहर जाने के बाद चेक पोस्ट पकड़ते रहते, रात में कौन जाग रहे कहाँ माल भर रहे बोले तो भी आप राउंडिंग्स रहता, नाइट राउंडिंग्स, यू विल गेट टू नो, आप लोगों को पता रहता पुलिस डिपार्टमेंट भी। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा स्ट्रिक्ट एक्शन लो, नहीं तो हम आगे वाले दिनों में मैं एक नहीं ऐसे 10 लोग हमारा सोशल एक्टिविस्ट है सब मिल के एडी फूड ऑफिसर को मुत्ती के डालते, बड़ा प्रोटेस्ट करते हूँ बोल के मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। धन्यवाद।